माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जबलपुर में एक और बड़ी कार्यवाही की गई। अभियान के तहत घमापुर चौक के पास भानतलैया में मोनू सोनकर, जो कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सोनकर की हत्या के मामले में जेल में बंद है, करीब 2500 वर्ग फुट जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, बल्कि उसके कब्जे से लगभग 6000 वर्ग फुट शासकीय भूमि को भी मुक्त कराया गया है। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की कीमत करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लगातार अवैध माफियाओं के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा रही है, उसमें यह मकान अवैध रूप से 2600 स्क्वायर फीट में बनाया गया था, जिसको आज धराशायी किया गया। इसके अलावा लगभग 6000 स्क्वायर फीट जमीन, जिसकी कि शासकीय गाइडलाइन में 2600 स्क्वायर फीट रेट है, और उसको भी आज अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस तरह से लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई, और इसके अलावा जो माफिया ने अवैध कब्जा करके घर बनाया था उसको आज गिराया गया। लगातार और कार्रवाई जारी है, सतत रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। जिन माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है शासकीय जमीन में या शासकीय तरीके पे, ऐसा पता चला है संयुक्त रूप से सर्वे करके जो भी ऐसे बिल्डिंग्स हैं उनकी कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पलपल इंडिया।